on behalf of Indian Institute of Technology Institute Lecture Series Committee, I welcome each one of you on this hall for a lecture cum book reading. This series has been experimenting time and again, and as we say, educate to innovate and innovate to change. So we have continued innovating and attempting to change this series. Our venues have changed, our speakers have changed, even the genre of speaker has changed. It has ranged from social service to spirituality to Shankaracharya to professor of management Wharton to author, and we do not keep any limit or any criteria for selecting a speaker. Aaj jab Bharat Ram Rahim, Choti Katwa aur Triple Talaq se puri tarah udvelit ho chuka hai, aise mein Kashi ka hi ek sapoot aur hamare hi beech ka ek chhatra, purva chhatra, apne aap ko best seller ke roop mein abhi Dainik Jagran ne nikalna shuru kiya hai. Pehli baar hi jo best seller ki list di, usme hum logon ke liye garv ki baat hai ki Kashi Hindu Vishwavidyalaya se jude hue teen teen best seller ke log hum logon se jude hue log the. Ek Satyavyas, dusre Nikhil Sachan, teesre aur ek purva chhatra. To sahitya mein इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन करके आईएम से पास होने के बाद अब पूरे समय प्रोफेशनल जॉब करते हुए हिंदी में किताब लिखते हुए और कानपुरी भाषा को अपने में संजोए रखना, साथ में आईटी के उस समय का पूरा स्नैपशॉट, इफ़ यू वांट टू नो हाउ आईआईटी वाज फ्रॉम 2005 टू 2009, द पीरियड इन विच निखिल वॉज हियर, सो पूरा का पूरा एक स्नैपशॉट है उस पर. ये फ्रीजिंग है जो काम रामकेश वीडियो से कर रहे हैं वो काम इन्होंने नॉवेल में करके रख दिया है. सो और ये चार साल जो कैंपस के होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इस समय वर्ल्ड व्यू विकसित होता है, आपकी विश्व दृष्टि विकसित होती है, आप दुनिया को कैसे देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे, इसका विकास इन्हीं चार सालों में होता है. बारहवीं तक पेरेंटिंग होता है और कई बार वैचारिकी पर पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है. बारहवीं के बाद अब पहले हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि इट इज़ अ डी कल्चराइजिंग इंस्टीट्यूशन, तो आप पहले पेरेंट्स को, उनके व्यूज़ को और पुरानों को और पुरानियों को रिजेक्ट करते हैं, पहला स्टेप होता है. रिजेक्शन के बाद आपके पास सिर्फ खंडित खंडित विचार बचते हैं, उसको फिर मंडित करते हैं एक आध साल में. चार साल के दौरान आपके पास अपना एक सेट ऑफ व्यूज होता है वर्ल्ड को देखने का, और वो इम्पॉर्टेंट होता है. और यही चीज़ इन चार सालों में, ये सिर्फ सूचनाएं नहीं होंगी, ये सिर्फ इनके इष्ट मित्र नहीं होंगे, इष्ट मित्र भी आएंगे तो डिफरेंट शेप्स में आएंगे, उसी शेप में नहीं आएंगे नॉवेल में. जो एक नोबेल लॉरिएट है साउथ अफ्रीका की, नॉडिन गार्डिमर कहती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को जब आप लिखते हैं तो वो मेटामर कहती है, कॉन्सेप्ट हो जाता है मेटामर, मेटाफरिक मिरर के द्वारा वो घटनाएं लिखी जाती हैं. तो पूरी की पूरी सूचनाएं, घटनाएं, व्यक्ति, चरित्र, चरित्र चित्रण सब एक बार आथर के, लेखक के मेल्टिंग पॉट में जाके एक दूसरे ही परिदृश्य के साथ उभरता है. तो कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ चिपकती है, कोई व्यक्ति किसी और के साथ, एक संश्लिष्ट चरित्र का विकास होता है. ये चरित्र इनके साथ रहते हुए मित्र नहीं है, तो एक पूरा का पूरा अनुभव संसार खड़ा कर सकना, जो गैप्स हैं उसको फिर से जेनरेट कर सकना, ये क्षमता भगवान बहुत कम लोगों को प्रतिभा के साथ देता है. रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि प्रतिभा प्राप्त करना ईश्वर का वरदान है, लेकिन प्रतिभा का सदुपयोग कर पाना आपका भाग्य है. इट इज़ फॉर्च्यून, यूटिलाइज एबिलिटी टू यूज टैलेंट इज फॉर्च्यून, ये टैगोर कहते थे. लेकिन सिर्फ एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू यूज टैलेंट का भी इशू नहीं है,
टैलेंट होना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एबिलिटी टू यूज़ दैट टैलेंट, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि अनुशासित रूप से उस प्रतिभा का पल्लवन करना, उस प्रतिभा को विकसित करना. Nurturing of talent is also equally important, and that needs huge discipline. And all these authors of his generation are extremely disciplined and are extremely severe on themselves. Please mind my words. I am saying they are extremely severe on themselves. If they have set a target, जैसे निखिल से बात हो रही थी तो कह रहा है कि एक हफ्ते में मुझे 3000 शब्द लिखने हैं तो लिखने हैं, फिर उसके लिए मैं वीकेंड भी अपना फोरगो करता हूँ. सो इस तरह का डिसिप्लिन इस सक्सेस लेवल पे आके कि IIT भी हो गया, IIM भी हो गया, 12 घंटे काम भी कर रहा है, चाहे तो आराम से अपना किंडल पढ़ते सो सकता है. बावजूद उसके उसने अपने ऊपर इतना बड़ा डिसिप्लिन रेजिमेंट रखा है कि कुछ और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. सो प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ थिंग कैन गिव अस समथिंग टू लर्न फ्रॉम निखिल. हम लोग बहुत कैजुअली कई बार चीज़ों को आती है कि इसको लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर छूट जाता है. ये सारे लोगों की प्रकृति है, तो उससे ग्रो करना, खुद को चैलेंज करना, ये मैसेज निखिल देते हैं. तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निखिल को, एंड आई लीव हिम टू यू पीपल. यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विथ हिम. और इन्होंने कहा भी है अपने फेसबुक पर, इन्होंने शेयर किया, तो कहा लेक्चर क्या दूंगा, बतकही होगी और बुक रीडिंग होगी. तो आप ही की जमीन से आए हुए एक पूर्व छात्र को आपके बीच मैं सौंप रहा हूँ. लिखो. लाइट सफिशिएंट है ना? सफिशिएंट. एम आई ऑडिबल? पहला तो सवाल ये पूछ लेता हूँ, हिंदी से सारे लोग कंफर्टेबल हैं या फिर मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों का उपयोग करता रहूँ? हिंदी से सारे लोग कंफर्टेबल हैं? In case if anybody is not comfortable, I'll keep using Hindi and English both. Is that fine? You're not fine with Hindi? English? Hindi? ठीक है, मैं दोनों का उपयोग करता रहूँगा. तो जैसा कि मैंने पहले भी, मुझे प्रोफेसर शर्मा बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस लोग आते रहे हैं और प्रेस्टिजियस लेक्चर हुए हैं, बट ये मेरा होम ग्राउंड है तो यहाँ पे मैं अपने रूल्स के हिसाब से ही चलूँगा. कोई प्रेस्टिजियस लेक्चर नहीं देने वाला हूँ मैं, बहुत बदकही के लिए आया था, आप लोगों से बातें करूँगा. और ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मेरी किताब है. जब आप लोग अगर बोर होने लगे तो हाथ ज़रूर खड़ा कर दीजिएगा, मैं अपनी किताब पढ़ने लगूँगा और हम इस लेक्चर को सैबोटाज करेंगे. जैसे कॉलोनी में होता था ना, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो कॉलोनी क्रिकेट के अपने ही रूल होते थे, वन टेप वन हैंड आउट है, उधर बालकनी में चली गई तो आउट है. तो ये मेरा होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड तीसरी बार वापस आ रहा हूँ एक लेक्चर के लिए, तो अपने हिसाब से आपसे बातें करूँगा. और किताब लेकर आया हूँ, इसका एक चैप्टर आपके साथ ज़रूर पढ़ूँगा. ठीक है, तो और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं इतना उम्र दराज हूँ, अभी जुम्मा 30 का ही हुआ हूँ, तो ना ही मैं बुढ़ापे की दहलीज पे हूँ, इतनी विजडम भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें बताऊँ. अधिक से अधिक मैं ये कर सकता हूँ कि आज मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता कर जाऊँ कि IIT BHU, मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, एक जन्नत है मेरे लिए. तो 4 साल IIT BHU एक बहुत बड़ी जन्नत रही है और मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह IIT BHU रहा है, क्योंकि यहाँ 4 साल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ घाट पर नाव के नीचे लेट कर रात भर तारे देखना, सप्तर्षि मंडल मिटाना, ध्रुव तारे को खोजना, यही सब किया है. बट उन 4 सालों में जब हम अपने आप से मैंने बातचीत की है, कहते हैं ना कि कई बार हम दूसरों से इतनी बात करते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है. तो इन 4 सालों में मैंने खुद से बात की है, खुद को खोजा है, और ये किताब भी इसी सब का लेखा जोखा है. तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं IIT BHU वापस आ रहा हूँ. तो एक एजेंडा है मेरे पास कि मैं किस बारे में बात करूँगा, बट अगर आप कभी भी बीच में मुझसे कुछ सवाल पूछना चाह सकते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं और हम उसको उस दिशा में मोड़ देंगे. और अपनी बात को ब्रीफली ख़त्म करने के बाद मैं आपको कविताएं सुनाऊंगा. बेहतर होगा कि हम
किसी लड़की को या किसी लड़के को जिन्हें प्यार करते थे उन्हें याद किया जाए, मैं किसी के गालों के तिल पे गज़ल कह दूँ, किसी के जूड़े में लगे हुए फूल पे गज़ल कह दूँ, वो बेहतर रहेगा। बाकी प्रेस्टिजियस लेक्चर तो यहाँ पर चलते ही रहेंगे, तो इसी के साथ शुरू करता हूँ इसको। सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करना है, बट इंट्रोड्यूस करना खुद को बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत ट्रिकी सवाल है। अभी तक तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, ये ज़रूर पता है कि कौन सी डिग्रियाँ हैं, कहाँ से पढ़ा हूँ, कहाँ काम करता हूँ। तो जब आई एम में पढ़ा करते थे तो हम लोग 4 CV बनाते थे। CVA अगर मार्केटिंग की कोई कंपनी आएगी तो उसके लिए, जहाँ पे हम अपने आप को एक मार्केटर के तौर पे सेल करते थे। CVB जो फाइनेंस के तौर पे बनाया गया होता था। CVC कंसल्टिंग के लिए बना लिया करते थे। तो हम अपने आप को उसी तौर पे प्रेजेंट करते थे जिस तौर पे लोग हमें सुनना चाहते थे। बट आज चूँकि मैं IIT BHU में हूँ, तो मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एंथुजियास्ट हूँ जिसे सिनेमा बहुत पसंद है, जिसे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और आज वो जो भी है वो सिनेमा और किताबों से उसके प्यार की वजह से ही है। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। मेरी पहली किताब नमक स्वादानुसार थी जो 2013 में आई थी। उसके बाद से मेरी दूसरी किताब जिंदगी आई स्पाइस थी, और आज तीसरी किताब UP 65 मेरे हाथ में है। जब मैं अपनी किताबें लिख रहा था तो मेरे पब्लिशर ने मुझसे पूछा था इसकी कितनी किताबें कॉपीज छाप दी जाएं, तो मैंने बोला था कुछ 100 किताबें छाप दीजिए, क्योंकि मुझे लगता था अधिक से अधिक मेरे पढ़ने वाले जो दोस्त हैं वही उस किताब को पढ़ लेंगे, और उन्होंने अगर किसी और से बोल दिया तो अधिक से अधिक वो किताबें खरीद लेगा। बट रातों रात मेरी किताब एक बेस्ट सेलर हो गई, और हिंदी भाषा जिसमें बेस्ट सेलर की कोई अवधारणा नहीं थी, नमक स्वादानुसार ने हिंदी को उसका पहला खुद का बेस्ट सेलर दिया था। तब मुझे पता चला कि रातों रात मैं एक घोषित लेखक हो गया। बट मैं लेखक पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। वो तो जब कहानियाँ एक के ऊपर एक रख दी जाती हैं तो वो किताब की शक्ल ले लेती हैं, और जब उन्हें लोग पढ़कर पसंद करते हैं तो वो बेस्ट सेलर हो जाया करती हैं। तो 2009 से मैं तब से किताबों के प्रेम में हूँ, और अभी तक किताबें लिख रहा हूँ, और आज मेरी तीसरी किताब आपके सामने हाजिर है। इसके अलावा मैं कंसल्टेंट रहा हूँ। IIM कोझिकोड से अपना MBA ख़त्म करने के बाद मैंने KPMG और IBM में स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग की है, और फिलहाल एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के तौर पर काम करता हूँ। हालांकि वहाँ के लोग ये कहना पसंद करते हैं कि मैं मीटिंग रूम में जाकर अभी भी छुपकर किताबें लिख लेता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें आज भी जगल कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज की बात शुरू करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, नमक स्वादानुसार और ज़िंदगी आई स्पाइस से लेकर UP 65 की इस जर्नी से मैंने क्या सीखा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विचार के साथ यहां से जाएं कि ज़िंदगी में आपका पैशन और क्रिएटिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसे कभी भी खोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ से 4 साल बाद निकलेंगे तो आप उस दोराहे पर होंगे जब आप हमेशा ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जॉब के साथ अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बैलेंस करूं। तो अगर आज इस लेक्चर के साथ मैं आपको ये चीज़ देकर जा पाया कि आप अपने पैशन को पाल सकें, उसे बचा सकें, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। नील गेमन का एक कोट है जो मैं लेकर आया था, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता था। नील गेमन ने कहा है, व्हेन यू स्टार्ट आउट ऑन अ करियर इन द आर्ट्स यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज ग्रेट, पीपल हु नो व्हाट यू आर डूइंग नो द रूल्स एंड नो व्हाट इज पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, विच आर्टिस्ट डू नॉट नो एट ऑल एंड दे शुड नॉट, द रूल्स ऑन विच what is possible and impossible in the arts were made by people who had not tested the bounds of the possible going beyond them, and artists can. If an artist doesn't know it is impossible, it is easier to do, and because nobody has done it before, they haven't made up rules to stop anything doing that again yet. ye arts ki beauty hai, jab aap ek normal profession mein jaate hain, engineering mein ya मैनेजमेंट के थ्रू,
तो हर एक प्रोफेशन के एक सेट रूल्स होते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरे डिलीवरेबल्स हैं, ये मेरी टाइमलाइन है, मुझे इसमें इतने समय में ये काम करके दिखाना है. बट आर्ट्स एक अकेली ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ पर कोई ये बताकर नहीं गया है कि ये पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल है. तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि आर्ट्स मेरा जॉनर है और जॉब के साथ एक ऐसी चीज़ है किताबें जो मुझे पॉसिबल और इम्पॉसिबल को अलग से डिफाइन करने का मादा देती हैं. हाँ जी, ये नील गेमन का एक कोट है जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पढ़ा था. नील गेमन एक बहुत ही बड़े ग्राफिक नॉवेलिस्ट हैं. नील गेमन की बहुत सारी ग्राफिक नॉवेल हैं, जैसे हम लोग अपने आप कॉमिक्स पढ़ते हैं बचपन में, वैसे ही सैंडमैन और इस तरीके की काफ़ी सारी किताबें हैं जो नील गेमन का कोट है. सो उसके बाद तो इस कोट को मैं हमेशा बार बार पढ़ता हूँ और मुझसे कुछ एक सवाल हैं जो नमक स्वादानुसार के बाद हमेशा पूछे जाते रहे. एक पहला सवाल जो हमेशा मुझसे पूछा जाता रहा है कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा होता आया है कि हिंदी मेरी माँ की भाषा है. हिंदी वो भाषा है जो मुझे मेरी माँ ने गोद में लिटाकर प्यार से पुचकार कर सिखाई थी. वहीं अंग्रेजी वो भाषा है जो स्कूल में मास्टरों ने छड़ी मार कर सिखाई थी. तो हिंदी मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख गया. मैं अपनी बात को सबसे कायदे से, सबसे बेहतर तरीके से हिंदी में ही कह पाता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की भाषा और मेरी प्यार की पुचकार की भाषा है. अंग्रेज़ी में भी लिख सकता था क्योंकि अंग्रेज़ी किताबों का मार्केट बहुत बड़ा होता है, हिंदी किताबों का मार्केट बहुत छोटा है, बहुत सीमित है. लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक चीज़ जो आपका पैशन है, आपको उसे मार्केट के लिए या मार्केट के हिसाब से, मार्केट के मुताबिक ही लिखते रहेंगे तो आपका पैशन के साथ आप शायद वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे. तो हिंदी हमेशा से मेरी भाषा रही है. और जब मैंने किताबें लिखनी शुरू की थी तो उस समय हिंदी भाषा क्लिष्ट हुआ करती थी. मैं भी जब से लिखना शुरू कर रहा था तो उस समय मुझे भाषा के साथ जगलरी करना बहुत पसंद था. मुझे याद है मेरी बहुत सारी कविताएं ऐसी होती थी जो अगर एक शब्द से शुरू हो रही हैं तो वो उस पूरी कविता में का शब्द से ही सारे अक्षर होंगे. जैसे कि एक कविता मैं याद करने की कोशिश करता हूँ शायद, कोमल कपोल कमनी केश करखा काले कजरारे कातर कंचुक कबरी काफिर कर कंगन कनक कटारी कटिकी कटीली कामुकता कानन कर्ण फूल किलकारे कर्पूर कमल की कांति किशोरी काहे कतल कमाए. हाँ, मुझे याद है. तो जब मैं IIT BHU आया था तब ये मेरी पहली कविता थी और तब से मेरी लिखाई शुरू हुई थी. पढ़ने वाले हमेशा यही बोलते थे कि हाँ कुछ बहुत अच्छा सा तो है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया. तो मेरी लड़ाई और मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हुआ था जब मैंने ऐसी भाषा में लिखना शुरू किया था जो मुझे बहुत पसंद थी. बट जो एक गैप है जो आप ब्रिज करना चाहते हैं लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच का, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था. तो उस समय से मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं ज़रूर हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को रिवाइव ज़रूर करना चाहूँगा. और जिन वजहों से हिंदी साहित्य अपने पढ़ने वालों के साथ अपनी पैठ खो चुका है, मैं उसे ज़रूर ब्रिज करूँगा. तो धीरे धीरे मैंने अपनी भाषा पर काम करना शुरू किया. अभी इस किताब का अंश भी पढ़ूँगा. तो मैं चाहता था कि हिंदी से जो एक कूल लैंग्वेज का तबका छीन लिया गया है, अंग्रेजी एक कूल लैंग्वेज है. जब आप मेट्रो में या ट्रेन में जाते हैं और आपके पास एक इंग्लिश की किताब होती है तो आप उसे दिखा कर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी कूलनेस का एक टैग है. लेकिन हिंदी किताबें हम अक्सर छुपा ले जाते हैं. हमें लगता है कि हिंदी किताब कहीं ना कहीं से वो कूल वाला जो टैग है ना, वो हमसे छीन लेती है. तो ये मेरी दूसरी लड़ाई थी. मैं ये बात रखना चाहता था कि हिंदी और बढ़ा दूँ. हाँ, तो मैं ये बात रखना चाहता था कि हिंदी पढ़ना अपने आप में कूल है और मुझे ये एस्टैब्लिश करना था मेरे साथी लेखकों के साथ कि हिंदी पढ़ना भी उतना ही कूल है. दूसरा सवाल जो मुझसे हमेशा पूछा जाता रहा है वो ये रहा है कि आप बेस्ट सेलर
कि आपके बारे में क्या राय है या बेस्ट सेलर की हिंदी में क्या अवधारणा रही है, तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि बेस्ट सेलर हम जानबूझकर नहीं लिखते हैं, या फिर मैं चेतन भगत या आमिश होने के लिए अगर लिखूंगा तो मैं कभी वो बन नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा वही लिखना चाहूंगा जो मेरे जहन में है, जिसे मैं बहुत तरीके से महसूस कर पाता हूँ। उसके बाद अगर वो बेस्ट सेलर होता है तो ये मेरी खुशकिस्मती है, अगर वो बेस्ट सेलर नहीं हो पाता है तो मैं उसे अपने पढ़ने वालों पर ही छोड़ देता हूँ। और मैं हमेशा ये मानता आया था कि किताबें लिखना या कोई भी आर्ट फॉर्म जो आप परस्यू करते हैं, ये अपने आप में आपको एक बहुत खास बनाता है। क्योंकि अगर चेतन भगत किताबें नहीं लिख रहे होते तो वो शायद इन्वेस्टमेंट बैंकर होते, आमिश किताबें नहीं लिख रहे होते वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होते। तो अपना पैशन सबको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जिससे शायद किसी को फ़ोटो क्लिक करना बहुत पसंद होगा, या किसी को कोई क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होगा, कुछ लोग काउंटर स्ट्राइक या एज ऑफ एम्पायर्स पर लगे रहते होंगे। तो ये बात मैं यहाँ से कह के ज़रूर जाना चाहता हूँ कि अपना पैशन आपको पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भले ही मार्केट या बाज़ार उसके कितना ही विपरीत हो, बट आप अपना पैशन जब तक पाल ले जाएंगे तो वो आपको बहुत सुकून देता है, क्योंकि राइटिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन के तौर पर है। और भले ही उसके उस दौरान कितनी भी आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एनिमल फार्म पब्लिश हुई थी तो एनिमल फार्म के लिए 22 पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट किया था, और उस समय ये कोट था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेल एनिमल स्टोरीज इन द करेंट USA एंड दिस बुक वॉज रिजेक्टेड 22 टाइम्स। स्टिल एनिमल फार्म आज की तारीख की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर है। आप लोग हैरी पॉटर के बारे में पढ़ते होंगे, हैरी पॉटर ने 25 बिलियन का कारोबार किया, ये कुछ साल पहले का नंबर है, एंड हैरी पॉटर वॉज रिजेक्टेड बाई मोर देन 15 पब्लिशर्स। इसी तरीके से क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, जब ये किताब आई थी तो इसे 800 बार रिजेक्ट किया गया था, और पब्लिशर का कहना था कि दिस गाय हैज़ नो क्लू अबाउट राइटिंग एंड ग्रामर। उसके बाद भी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया हमारे समय की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर है। रुडयार्ड किपलिंग, उनकी कविता आपने इफ़ पढ़ी होगी। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर का कहना था, आई एम सॉरी मिस्टर किपलिंग बट यू जस्ट डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो आपको अपनी काबिलियत और आपको अपनी कला पर भरोसा करना सिखाते हैं। तो जब भी मैं अपनी तीनों किताबों की इस जर्नी में रहा हूँ तो ये तीनों किताबें मैंने हमेशा अपने हिसाब से लिखी है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये किताबें बेस्ट सेलर कल को हो जाएंगी या नहीं होंगी, या इन्हें पढ़ेगा कौन, या मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जो एक लव स्टोरी हो क्योंकि 5.1 बेस्ट सेलर हो गई थी, या फिर आमिश की मेलुहा ट्रायोलॉजी जैसी कोई किताब लिखूं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना था कि आप बेस्ट सेलर की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। आपको किताब कहानी वो कहनी है जो आप सबसे अच्छे तरीके से कह सकते हैं। एक पाश की कविता पढ़ना चाहता हूँ। ये कविता समअप करती है जो मैं कहना चाहता हूँ, और ये कविता मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि 4 साल बाद जब आप लोग 3 साल बाद 2 साल बाद जब अपनी अपनी जॉब पर चले जाएंगे और 10 से 7 काम करने के बाद जब घर आया करेंगे तो कॉरपोरेट वर्ल्ड आपको मशीन बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा, और उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो अपने भीतर का बच्चा, अपने भीतर का लेखक या मूवी डायरेक्टर या फिर आर्टिस्ट या फिर गेमर बचा पाएंगे। पाश कहते हैं, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी ठंडी बर्फ होती है,
सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए ठंडी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठाती अंधेपन की भाप पर फिसल जाती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। तो ये कविता मैं आपको इसी उम्मीद और इसी आशा में सुना रहा हूँ कि आप अपने भीतर का सपना ज़रूर पालेंगे और ये मुर्दा शांति जो 4 साल बाद आपका इंतज़ार कर रही है, आप उसे ज़रूर हरा पाएंगे। क्योंकि हम पैदा ही क्रिएटिव हुए हैं। आप किसी बच्चे को देख लीजिए, वो मिट्टी भी खाता है ना तो बहुत क्रिएटिव तरीके से खाता है। वो हर एक काम वो करना चाहता है जिस काम से करने के लिए उसे मना किया जाता है। वो 10 बार मिट्टी खाने के लिए मार खाता है, लेकिन उसके बाद भी वो मिट्टी खाने की ओर दौड़ता है, क्योंकि स्वभाव से हम नेचर के पास हैं, स्वभाव से हम क्रिएटिव हैं। और धीरे धीरे अभी आप तरुणाई की जिस दहलीज पर हैं, वहाँ पर आप खुद से ज़रूर पूछिएगा कि आप उस बच्चे के अभी कितना करीब हैं। एक और बात क्रिएटिविटी पर कहना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं कि क्रिएटिविटी हैज़ नथिंग टू डू विद एनी एक्टिविटी इन पार्टिकुलर, विद पेंटिंग, पोएट्री, डांसिंग, राइटिंग और सिंगिंग। इट हैज़ नथिंग टू डू एनीथिंग इन पार्टिकुलर। एनीथिंग कैन बी क्रिएटिव इफ़ यू ब्रिंग क्वालिटी, क्यूरियोसिटी, इन्वॉल्वमेंट एंड पैशन इन द एक्टिविटी। एक्टिविटी इट्सेल्फ इज़ नाइदर क्रिएटिव नॉर अनक्रिएटिव। यू कैन पेंट इन एन अनक्रिएटिव वे, यू कैन सिंग इन एन अनक्रिएटिव वे, बट यू कैन क्लीन द फ्लोर इन अ क्रिएटिव वे, यू कैन कुक इन अ क्रिएटिव वे। तो जो बात मैं पहले आपको समझा रहा था कि क्रिएटिविटी कोई एक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी उस एक्टिविटी को करने का तरीका है, उस एक्टिविटी के साथ जुड़ने का लहजा है। ओशो ये भी कहते हैं कि वॉट एवर यू डू, इफ़ यू डू इट जॉयफुली, इफ़ यू डू इट लविंगली, इफ़ योर एक्ट ऑफ डूइंग इज़ नॉट प्योरली इकोनॉमिकल, देन इट इज़ क्रिएटिव। इफ़ यू हैव समथिंग ग्रोइंग आउट ऑफ इट विद इन यू, If it gives you growth, it is spiritual, it is creative, it is divine. You become more divine as you become more creative. यहाँ पे ये पंक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ओशो ये समझाते हैं कि क्रिएटिविटी आपको भगवान के बहुत नज़दीक कैसे लाती है। You become more divine as you become more creative. All the religions of the world have said God is the creator. I don't know whether he is the creator or not, but one thing I know, the more creative you become, the more godly you become. When your creativity comes to a climax, when your whole life becomes creative, you live in God. To be and to be creative are synonymous. It is impossible to be and not to be creative. But that impossible thing has happened. That ugly phenomenon has happened. Because all your creative sources have been plugged, blocked, destroyed, and your whole energy has been forced into some activity that the society think is going to pay. इन्हीं बातों के साथ फिलहाल मैं अपनी बात का ये पहला हिस्सा यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, या फिर मैं आपको किताब का एक हिस्सा पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। ये कविता इस बारे में लिखी गई थी, मैं एक मुशायरे में था, वहाँ पर एक सज्जन ये बता रहे थे कि कविता कैसे लिखनी चाहिए, वो कविता के बारे में नसीहतें दे रहे थे कि एक अच्छी कविता ऐसे लिखी जानी चाहिए, एक अच्छी कविता वैसे लिखी जानी चाहिए। बट मैं हमेशा जब भी कविताएं कहता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि कविता लिखने का कोई भी नियम या कायदा या कानून नहीं होना चाहिए। अच्छी कविता का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से दिल से एक कविता लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कविता इस बात का जवाब थी कि एक कविता को कैसा होना चाहिए, जो मैंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। कविता का शीर्षक है मेरी कविता अश्लील है। मेरी कविता में नहीं है फिलॉसफी, ज्ञान, फलसफा, दर्शन, लंबी लंबी पंक्तियाँ आलोचकों और समीक्षकों की सीख, एब्स्ट्रैक्ट का फूलदान, मुशायरों की लॉबी, ढंग, कायदा, कानून, पीएचडी, डॉक्टरेट की थीसिस, साहित्य के रहनुमाओं की दाद,
अर्ज इरशाद शुक्रिया व्याकरण बहर मात्रा समाज की चिंता जंगल नहर खदान पुरानी कविता का जनाजा और नई कविता का बर्थडे केक प्रयोगवाद साम्यवाद समाजवाद एजेंडा मसला मतला दावा मुद्दा तुर्रा मेरी कविता बस हैंगओवर है क्योंकि वो गोल्ड फ्लिक ट्यूबॉर्ग रॉयल स्टैग ओल्ड मॉन्ग और तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे इश्क के नशे से उपजी है गेहूं बाजरा और जौ के सड़ने से पकी शराब की तरह मेरी कविता अश्लील है क्योंकि वो आज के नाजुक क्रांतिकारी माहौल में भी प्यार मोहब्बत की बातें करती है छाती के उभार पर गजल कहती है और तुम्हारे बालों के घुंघराले होने पर 100 करोड़ की जवानी और जिस्मो जान छिड़कती है मेरी कविता बदतमीज़ है क्योंकि वो लोगों को अनशन करने के लिए सड़कों पर नहीं बुलाती आंदोलन का बिगुल नहीं फूंकती अलबत्ता तुम्हें ही ज़ाइटगीस्ट बताती है मेरी कविता ब्लास्फेमी है नास्तिक है क्योंकि वो धर्म को नहीं मानती मंदिर नहीं जाती मस्जिद नहीं जाती लोगों को धर्म निरपेक्षता नहीं सिखाती उल्टा तुम्हें और सिर्फ तुम्हें खुदा बताती है और इश्क को बतौर मजहब स्थापित करती है मेरी कविता अनाथ है क्योंकि वो इस दुनिया में किसी के बाप के लिए नहीं लिखी गई बल्कि इस दुनिया के सबसे छोटे सबसेट मैं और तुम के लिए लिखी गई है और उसे पढ़ते भी सिर्फ मैं और तुम हैं मेरी कविता गूंगी है क्योंकि उसे सुनने वाले बहरे हैं एक लंबे राजनीतिक भाषण में आई हुई जनता की तरह जिन्हें 10 रुपये देकर 4 घंटे तशरीफ रखने के लिए बुलाया जाता है मेरी कविता अधूरी और लंबी है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि शुरू होने के बाद कब ख़त्म हुआ जाए ताकि लोगों को उबकाई ना आए और वो मेरी तुम्हारी दिल्लगी को अश्लीलता ना कह दें लेकिन मेरी कविता सच्ची है क्योंकि इस वक्त मैं नशे में हूँ मेरी कविता सबसे सुंदर है क्योंकि मेरी कविता में तुम हो मेरी कविता जिंदा है क्योंकि हर मरे हुए ज्ञान धर्म फिलॉसफी दर्शन मजहब के इस दौर में सिर्फ तुम जिंदा हो और तुमने मेरी कविता में जान ठोक दी है एक कविता बम्बई पर लिखी थी बहुत दिन से कुछ लिख नहीं पा रहा था क्योंकि शायद बम्बई की भाग दौड़ ने लिखना छुड़वा दिया था तो उसी तड़प में उसी खलिश में ये कविता बम्बई पर लिखी थी मैंने मेरी पत्नी उस समय घर नहीं थी कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी तो जिस दिन उसे लौटना था उस दिन उसको एड्रेस करते हुए ये कविता लिखी थी जानती हो तुम बम्बई भागता रहता है जानती हो तुम बम्बई भागता रहता है हर दम दर बदर फिर भी ना हाँफता खुदा ना खांसता दौड़ता रहता है यहाँ हर रास्ता गलियों को चीर कर ट्रेनें छूटती हैं कि जैसे छूट गई हों तमंचों से गोलियाँ ट्रेनें छूटती हैं कि जैसे छूट गई हों तमंचों से गोलियाँ या गेंदों के पीछे बच्चे जो चले जाएंगे फलक तक गर जो रोके नहीं गए पुकार कर तुम आओगी तो देखना कि आदमी यहाँ यूं निकल जाता है आदमी से कंधे रगड़ कर छील कर फिर भी पीछे नहीं देखता बस बुहार देता है कंधा शर्ट से धूल झाड़ कर रातों रात नहीं है लोग सोते कि जैसे सोना यहाँ कोई अपशकुन हो कहते हैं कि ये शहर सदियों से नहीं है सोया यहाँ भटकते हैं शिवाजी म्यान में तलवार लेकर यहाँ लोग माले पर माला जोड़कर इतनी ऊंचे इमारतें इतनी जल्दी कुछ यूं बना देते हैं कि जैसे पिट्ठू खेलते वक्त हम बचपन में फटाफट बना देते थे पत्थरों के ऊंचे टावर तुम आओगी तो देखना यहाँ बिजली से चलने वाली लंबॉर्गिनी और फरारियाँ हैं जो फरार हैं कब से फिर भी बस रेंग ही पाती है किसी केचुए की तरह लंबे ट्रैफिक जामों में फंस कर तुम आओगी तो देखना तुम भी हैरान हो जाओगी देख कर कि यहाँ सब लोग जल्दी में हैं इतना यहाँ सब लोग जल्दी में हैं इतना फिर भी समय पर कोई नहीं पहुँचता यूँ भाग कर बम्बई भागता रहता है इस कदर फिर भी एक ज़माने में कहीं भी तो पहुँच नहीं रहा है बम्बई भागता रहता है इस कदर फिर भी एक ज़माने से कहीं भी तो पहुँच नहीं पा रहा है कि ये जितना चलता बढ़ता है उसे उतने ही कदम पीछे ढकेल देता है समंदर लहरों के झाड़ू से झाड़ कर तुम आओगी तो देखना कि यहाँ नहीं है वो सुकून जो रात भर मिलता था तुम्हारी बाहों में कि जब रुक जाता था सब कुछ तुम्हारी गोदी में लेट कर तुम आओगी तो देखना कि कभी ना रुकने वाली बम्बई में भी मैं रुक गया हूँ तुमको देख कर खुशी से चौंक कर किताब का एक अंश पढ़ दूँ
अच्छी बात है अगर आप में अभी तक किसी ने किताब नहीं पढ़ी है। किताब का पहला चैप्टर है 16 नंबर, सुलेमानी उस्तरा और नयन मोंगिया। अमित कुमार पांडे, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर, करेली, इलाहाबाद। एल्यूमिनियम के बक्से पर लाल पेंट से बड़ा बड़ा लिखा था, जब मैं IIT BHU के राजपूताना हॉस्टल के कमरा नंबर 4 में घुसा तो मेरा रूममेट अमित कुमार पांडे एल्यूमिनियम के संदूक पर बैठा दाढ़ी बना रहा था। बक्से पर जितनी बेडौल और अनगढ़ उसके नाम की लिखाई थी उतना ही बेढंगा और बेहुदा वह खुद उकड़ू बैठकर शीशे में झांकता हुआ नथुने फुलाकर नाक में आए बड़ आए बालों की पड़ताल कर रहा था। उसके हाथ में जिलेट का ट्विन ब्लेड या ट्रिपल ब्लेड रेजर नहीं था बल्कि पुश्तैनी सुलेमानी उस्तरा था जिसे वह पापा की शेविंग किट से चुरा कर लाया। वो कभी दाढ़ी नहीं बनाने देते थे क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में मूंछ दाढ़ी गोटना आवारागर्दी की निशानी होती है। लेकिन अब चूंकि पांडे IIT JEE क्वालिफाई कर चुका था इसलिए IIT में घुसते ही इस हिटलरी चोर फरमान के विरोध में सामान वामान खोले बिना ही बड़े अधिकार से मूछें घोट रहा था। वह उस तरह ऐसे चला रहा था जैसे साक्षात छत्रपति शिवाजी हाथों में शमशीर लिए दुश्मन को बेरहमी से काट बिछा रहे हैं। हेलो, मैं निशांत, तुम्हारा रूम पार्टनर, मैंने कमरे में अपना सामान रखते हुए कहा। पांडे मुस्कुराते हुए चेहरे पर लगा हुआ फोम अपनी बनियान से पोंछते हुए मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा लेकिन मेरे हाथ में किताब थी। 5.51 पढ़ रहे हो, पांडे ने जोर से हंसते हुए पूछा। हाँ, इंग्लिश नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने चीखते हुए कहा। हाँ हाँ, हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, हम तो किताब देखकर हंसे। क्यों, ऐसा भी क्या खराब है किताब में, मैंने पूछा। हाँ देखो निशांत बाबू, IIT में ऐसी टोपापंथी नहीं होती जैसा इस किताब में लिखा हुआ है, और ख़ासकर BHU में। ये मौज वाली जगह है बे, यहाँ 4 साल खाली बकचोदई होती है। अगर ये किताब पढ़कर तुमको ये लग रहा है कि यहाँ आके तुम भी बड़का भारी हवाई जहाज उड़ा लोगे, नासा चले जाओगे या बड़ा भारी साइंटिस्ट बन जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, उसमें वो जो प्रोफेसर की लड़की के साथ था वो वाला जो सीन है ना, वो तो यहाँ एकदम नहीं होने वाला। पांडे वापस उस तरह चलाने लगा। कुछ लोग यहाँ पढ़ने भी आते हैं, शायद नासा भी पहुँचते हो, मैंने चिढ़ते हुए कहा। अब जो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुँचने के इरादे से ही आए हो तो फिर तुम 16 नंबर कमरे की तरफ मत जाना। क्यों, कहे उधर से उधर एक से एक गुरु लड़के रहते हैं, अभी कॉलेज में घुसते हुए जुम्मा 2 दिन हुआ नहीं और BF चल रही है वहाँ। पांडे फिटकरी से चेहरा रगड़ रहा था। कुछ देर पहले उसकी घनी दाढ़ी और मोटी मूंछ थी, अब नहीं थी। जैसे 1990 में नयन मोंगिया हुआ करता था लेकिन आज नहीं है। जैसे एक ज़माने में पेजर और वॉकमैन था और आज नहीं है। जैसे कभी बाबा सहगल था और आज नहीं है। वैसे ही पांडे की मूंछ दुनिया के मानचित्र से गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। बढ़िया लग रहे हो, पांडे बिना मूंछ दाढ़ी के दमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अनिल कपूर पहले फोम लगाए बैठा था, पानी मारा तो अंदर से संजय कपूर निकला। बिना जवाब दिए मैं सामान लगाने लगा और उसकी सलाह को अपने दिलो दिमाग में पक्का कर रहा था। अब जो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुँचने के इरादे से आए हो तो फिर 16 नंबर कमरे की तरफ मत जाना, मैंने खुद से 3 बार कहा। 3 बार इसलिए क्योंकि मैं IIT BHU में बड़ी चमकदार उम्मीदों के साथ दाखिल हुआ था। पांडे से मिलने के पहले मेरी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे आमतौर पर तंबाकू के विज्ञापन के किरदारों की चमका करती हैं। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, दिल बड़ा तो तू बड़ा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, दीवाना उड़ा रहे, मस्ताना चला रहे। तमाम सालों में IIT में दाखिल होना मेरा सपना था, या ये कह लीजिए कि मेरे परिवार वालों का सपना था, जो मेरे कंधे पर कब लाद दिया गया था मुझे पता ही नहीं चला। जैसे विक्रम के कंधे पर पेताल लाद दिया जाता है, मेरे कंधे पर IIT में पढ़ने का सपना टांग दिया गया था। मैं जहाँ भी जाता और ये पेताल मेरे साथ चलता, और दिन ब दिन IIT मेरी सनक का हिस्सा हो गया था। पापा अक्सर मुझे स्कूटर पर IIT कानपुर घुमाने ले जाते और मैं वहाँ हर एक चीज़ को कौतूहल से देखा करता। अगर कोई लड़का मोटा चश्मा लगाकर हाथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राफ्टर, चार्ट, कंपस वगैरह लिए घूमता दिख जाता तो मेरा दिलो दिमाग उसके लिए बेइंतहा इज्जत से भर जाता। इज्जत इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि हो ना हो यही लड़का एक दिन आगे चलकर अब्दुल कलाम की तरह अग्नि की उड़ान भरेगा, मिसाइलें बनाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा। क्या पता कल को कोई नया मेटल ही खोज दे, स्वदेश के शाहरुख की तरह गाँव लौट के पानी का ट्यूबवेल चला दे, मंगल ग्रह पर जिंदगी खोज दे, अणु के भीतर से परमाणु नोच दे। मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि पांडे इस बात की अहमियत को समझ नहीं पा रहा था कि वो किस गौरवशाली इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन रहा है।
बुरा मुझे इस बात की भी लग रहा था कि मैं ऐसा सोचने वाले लड़के के साथ कमरा शेयर करने वाला हूँ और उन लोगों के साथ हॉस्टल शेयर करूँगा जो कॉलेज में घुसते ही बीएफ देखने में लग गए। अरे कुछ और भी कर सकते थे, डिपार्टमेंट चले जाते, कंप्यूटर लैब हो आते या लाइब्रेरी ही टहलाते। लाइब्रेरी कार्ड इशू कराने चलोगे, मैंने पांडे से पूछा। क्यों, अभी तो इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, किताबें कैसे मिलेंगी? नहीं, मैंने सुना है कि अच्छी किताबें हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मेरे एक बड़े भैया हैं जो IIT खड़गपुर से पढ़े हैं, उनका कहना था कि अच्छी किताबें पहले ही लाइब्रेरी में छुपा देनी चाहिए। माने अगर थर्मोडायनेमिक्स की किताब हो तो उसे नागरिक शास्त्र वाली अलमारी में जाकर सिविक्स की किताबों के बीच में गड्डमड मिला दो और जब लाइब्रेरी कार्ड मिले तो वहाँ जाकर सीधे इशू करा लेना। अरे नहीं ख़त्म होंगी भाई, काहे बौरी आ रहे, पांडे मेरे मास्टर प्लान को पूरी तरह खारिज करते हुए बोला। फिर शायद उसे इस बात का आभास हुआ कि मैं बेकहने से बुरा मान गया हूँ। यार देखो, बुरा मत मानना बे, अलाहाबाद से हैं, अबे तबे कस्में हर बात में निकल जाता है, मन में कुछ नहीं रखते, जो कुछ आए तो बक के बराबर कर देते हैं, कभी कभी इसी चक्कर में लबड़ भी जाते हैं, पर देखो यार हम तो हैं ऐसे ही, गाली उली दे दें तो बुरा मत मानना। अब तुम रूममेट हो हमारे। मैंने अनमने से कहा। घर से कौन कौन आया है, मैंने बात टालने के लिए पूछा। घर से कोई क्यों आएगा, बाऊ ट्रेन में बिठाने आए थे और बिठा के करेली वापस। तुम्हारे बाऊ आए हैं क्या? हाँ, मेस में खाना खा रहे हैं। अबे यार तो पहले बताना था ना, हम ये दाढ़ी मूछ का बक्सा लिए हुए बैठे थे नाव का दुकान खोल के। पांडे जल्दी जल्दी अपना पुश्तैनी शेविंग किट समेटने लगा। वैसे कहाँ से हो निशांत बाबू? कानपुर। कानपुर? हाँ। पांडे कानपुर कनेक्शन निकल आने से चहक रहा था। यहाँ जबरन वाला कनेक्ट हम उत्तर भारत के लोगों को विरासत में मिला है। आप जहाँ कहीं से भी हों या फिर वहाँ उनके या फिर उनके ममेरे भाई के फुफेरी बहन का मुँह बोला ससुराल या बड़बोला मायका निकल ही आता है। हम 3 साल कोचिंग पढ़े हैं कानपुर में, अनीश के यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री पंकज के यहाँ और गणित विश्नोय के यहाँ। पांडे मेरे करीब आ गया था और उसने मेरे कंधे पर गलबहियाँ डाल दी थी। मैं भी वहीं पढ़ा हूँ फिजिक्स, लेकिन नारकर के यहाँ पढ़ा। मैंने 2 फुट नीचे झुक कर गलबहियों से खुद को मुक्त करते हुए कहा। हम भी पहले वहीं फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन एक बार एक लड़के से पंगा हो गया। हम उसको मजाक में बोल दिए कि मार दे मर जाबो, वो साला दिल पे ले लेस। हम बोले ऐसा थोड़ी होता है, इलाहाबाद में तो हर कोई ऐसे ही बोलता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुमको सही में मार देंगे। पर वो सरवा माना नहीं और डेली हमको लभेड़ने के चक्कर में कोचिंग के गेट पर खड़ा रहता था, इसलिए हम कट लिए। लेकिन यार तुम कानपुर के लगते तो हो नहीं, कानपुर के लौंडे बोलते हैं तो दिल करता है कि बोलते ही रहें। हमारा एक कनपुरिया दोस्त बात बात में कहता था, अभी झपड़िया दिए जाओगे तब पता चलेगा कि पंजीरी कहाँ बट रही थी, तुम मैं बोलते हो और वहाँ हम बुलाते हैं। पांडे ने मेरे कनपुरिया अभिमान को उंगली दिखा दी। तुम हो वही जिसमें आता है दही माने कुल्हड़, मैंने अपने डिफेंस में चटक कनपुरिया अंदाज सुनाया। काम 35 हो गया भाई जी, तखत पर चढ़कर पांडे ने उछलते हुए दूसरा जुमला सुनाया। ये मठाधीशी बंद करो, ज़्यादा चौधराहट करोगे तो अब ही पेल दिए जाओगे। अब पांडे मेज पर चढ़ बैठा था। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, मैंने कहा। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टर गंज, मरबे कम घसीट बे ज़्यादा लंबे हो जाओगे 2 मिनट में, पचड़े में पड़ोगे तो अभी लभेड़ हो जाएगी भाई जी। हम दोनों दे दनादन कनपुरिया जुमलों का दहला पकड़ खेल रहे थे, एक रैप बैटल शुरू हो गया था। पांडे हनी सिंह तुम्हें बादशाह, वो रफ्तार तुम्हें बिलाल शहीद। पांडे अचानक खेल छोड़कर किताबें सेट करने लगा। क्या हुआ बे, निकल गई साली कलेक्टरी? मैंने अगले जुमले की अपेक्षा में अपना जुमला फेंका, लेकिन पांडे और भी तल्लीनता से किताबें झाड़ने लगा जैसे अभी तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। चिर गई, बोलो बे, अभी तो मौज आनी शुरू ही थी। पांडे ने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैंने पलटकर देखा तो पापा खड़े थे और शायद हमारी बकर पुराण का सारा प्रवचन सुन चुके थे। वो मेस से खाना खाकर लौट आए थे। मैं पापा को यूँ देख रहा था जैसे वो परीक्षा में सिलेबस से बाहर आया हुआ सवाल होंगे। नमस्ते अंकल जी, पांडे किताबें लगाना छोड़कर पापा के पैर पर लगभग लौट ही गया। खुश रहो, पापा ने 2 कदम पीछे छिटक कर कहा और फिर दे दनादन रैपिड फायर राउंड खेला गया। पापा ने पांडे का पूरा फैमिली ट्री निकाल लिया, कास्ट से लेकर गोत्र तक, मोहल्ले से लेकर गली तक, बहन कहाँ ब्याही है से लेकर मम्मी का मायका किधर पड़ता है तक। पांडे भी ऐसा पलटी खोर निकला कि 2 मिनट में मार देवो मर जाबो से जी अंकल जी एकदम ठीक बात है जी में बदल गया। जितनी बार में वह एक लाइन में बे घुसाता था उससे अधिक हर लाइन में जी सजाने में लग गया। दोनों लोग अच्छे से पढ़ाई करना, कॉलेज में तमाम लड़के होंगे जो दिन भर ऐसा दिखाएंगे कि वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, फिर रात में लाइट बंद करके टेबल रैम की रोशनी में रात भर रट्टा मारेंगे।
ऐसे ही इलाहाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल्पेश सिंह करके एक लड़का था, वो दिन भर सबको क्रिकेट खिलाता था और सबको गुड नाइट बोलकर रात में कमरे की बत्ती बंद करके मोमबत्ती जला के पढ़ता था। ये पापा ने कहा, अरे अंकल जी आप इलाहाबाद से पढ़े हैं जी? पांडे फिर पापा की बातों में ही काट जी काट कर फिर से जिझियाने लगा, तब तक जब तक कि पापा अपना सामान उठाकर जाने न लगे। मैं बैग पकड़कर उनके पीछे बोलिया, मन लगा के पढ़ना और इस लड़के से थोड़ा बच के रहना, ये हमको कल्पेश सिंह जैसा ही खुराफाती लग रहा है और देखो मूंछ भी घोटा हुआ है, पक्का आवारा गर्द होगा। पापा ने जाते जाते कहा। वे जाते हुए कभी मुड़कर नहीं देखते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से मन कच्चा हो जाता है। और हाँ, दिन रात पढ़ना यहाँ स्कूल जैसा हाल नहीं है, यहाँ तो सब लड़के अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, एक बार आप ढीला पड़ गए तो कैचअप नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी फर्स्ट ही आना है आपको। यहीं तक पढ़ूँ फिलहाल? कितना हिस्सा पढ़ना चाहता है किताब का? पहले चैप्टर की शुरुआत है। इस किताब को लिखने का मेरा एक छोटा सा मोटिव रहा था। ये किताब शायद मैं बहुत पहले लिखना चाहता था, बट मुझे लगता था कि अगर अभी ये किताब लिख दूंगा तो वापस से इसे 5.1 कहकर टाइपकास्ट कर दिया जाएगा बिना पढ़े ही। और चूंकि मैं भी IIT और IIM वाला एक टैग रखता हूँ, तो मुझे लगता था ये किताब अभी अगर आ गई तो इसे एक और 5.1 करार दे दिया जाएगा। बट मुझे हमेशा लगता था कि बनारस और BHU अपने आप में एक जन्नत है और IIT में जो होता है वो 5.1 उसे अपने तरीके से बयान नहीं करती। तो मैं खालिस IIT की, खालिस बनारस और ख़ास तौर पर BHU की किताब लिखना चाहता था कि यहाँ 4 साल में आप क्या से क्या हो जाते हैं। तो इसी उम्मीद में मैंने खुद से बोला कि भले ही इसे टाइपकास्ट किया जाए या जो भी कहा जाए, ये किताब मेरे जहन पर उधार थी, तो आज यहाँ पर आकर ये उधार मैं चुकता कर रहा हूँ और BHU को ये उसकी एक खालिस किताब लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए, खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई लग्जरी है तो वो वक्त है। मुझे शायद बुलाया जाता क्लासेस के बाद तो मैं 1.5-2 घंटे ज़रूर सोच कर आता, और हम जब BHU में थे तब तो इतने लोग तो कभी नहीं आते। अभी तो कोई बता रहा था कहीं अमूल वाला फ्री में दूध पिला रहा है तो सारे लोग वहाँ भागे हुए थे, तो हम भी वैसे ही थे। बट आप लोग आए, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सांस्थानिक व्याख्यान का ये संस्करण बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल रहा है। जैसा माहौल था ऐसा हमने किसी इंस्टीट्यूट लेक्चर में अभी तक नहीं देखा, और हम सर की शालीनता, इनके कंपोजर और इनके क्लैरिटी ऑफ थॉट के मुरीद हो गए। आज इस सभागार में साहित्य सभा, थिएटर क्लब के सदस्य और काफ़ी सारे लिटरेरी अफिशोनाडोज भी मौजूद हैं, उन सबको आपसे काफ़ी प्रेरणा मिली है सर। और साहित्य सभा का सचिव होने के नाते मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच से ही निकले हैं, आप हमारे हॉस्टल्स का जिक्र करते हैं अपने बुक्स में, और उससे हमें बहुत अपना सा लगता है। ये सारी जो आपकी तीनों की तीनों रचनाएं हैं ये हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, सो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप प्लीज़ इन किताबों को एक बार देखने का कष्ट करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताबें हैं। सिनेमा की तरह 3-4 घंटे में ये आपको पूरी पिक्चर दिखा देती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे पर्सनल लेवल पे। कॉलेज लाइफ से एसोसिएटेड है, BHU की धरती से एसोसिएटेड है, तो प्लीज़ एक बार इन किताबों पर नज़र डालें, इन्हें खरीदें। अब मैं सर राजन सर को इनवाइट करना चाहता हूँ टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद अंकित, आपने मेरा आधा काम कर ही दिया है। प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर मिश्रा जी और संस्थान के प्रतिभावान छात्र और हमारे आज के इस विशेष लेक्चर सीरीज़ के प्रमुख वक्ता और मुख्य अतिथि श्री निखिल सचान जी, मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहा गया है। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर शर्मा जी को, ये मेरा व्यक्तिगत धन्यवाद है कि उन्होंने आज से 1 साल पहले मेरा परिचय आपसे कराया, आपकी किताब
नमक स्वादानुसार से। मैंने जब उसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया, पढ़ना शुरू किया, तो जो अभी आपने बात कही कि आपने पढ़ना शुरू किया तो फिर आप उसको ख़त्म करके ही, वही चीज़ थी, वही क्वालिटी मुझे उसमें मिली। बल्कि जब मैं पढ़ रहा था, मुझे उस कहानी का नाम, शीर्षक नहीं याद आ रहा है, कहीं ना कहीं मैंने उसमें मंटो की भी एक झलक देखी। और उसके बाद जब मुझे कल फेसबुक पर ये निमंत्रण मिला, तो मैंने ये बिल्कुल निश्चय किया कि मैं ज़रूर आऊँगा और सुनूँगा, और निश्चित रूप से मुझे ये मौका भी मिलेगा कि आपकी जो नई पुस्तक आई है उसको मैं यहाँ से ले सकूँ। तो मैं शर्मा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ इस पूरी सभा के आयोजन के लिए, आपको यहाँ इन्वाइट करने के लिए, और संस्थान की ओर से, मेरे अपनी ओर से, और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी ओर से मैं निखिल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। किताब की लॉन्चिंग तो मैं समझता हूँ एक बहाना था, आप शायद अपने अल्मा मेटर में आकर के यहाँ पर हम सबसे इंटरेक्ट करना चाहते थे, और आपको भी अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी जो पूरी यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, IIT BHU की हमारे साथ शेयर की, कि कैसे इस यात्रा में आप बाफिक्रे से बेफिक्रे बन गए, तो निश्चित रूप से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत लाभ होगा। और न केवल यंगस्टर्स को, मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे लगा कि सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो 4 साल बाद यहाँ से जा रहे हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए भी है जो शायद सपने देखते हैं और अपने बिजी शेड्यूल में पूरे नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने 25 साल पहले यहाँ की पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए भी ये संदेश था। तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने अपनी पुस्तक की चर्चा की और एक मैसेज हम सबको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।